डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द फिगर. द टॉपिक ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. सो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट, पास्ट पार्टिसिपेंट, परफेक्ट पार्टिसिपेंट, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ एडजेक्टिव, फ्रेज इन अपोजिशन, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ, विदाउट एंड कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन एज सून एज, नो सूनर देन, टू व्हिच, व्हेन आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सो दैट, when after, before, who, which, although, yet, because, if. First of all, try to understand all students present participle. You can ask a participle. Participle is that form of the verb which acts both as a verb and an adjective. Words come at the end of the verb kar, karke, karte hue. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि present participle सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है. उसका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में एज सून एज, नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे और कंपाउंड में एंड और सो का प्रयोग करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस थ्रू द एग्जांपल. सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ पार्टिसिपेंट सीइंग अ बियर, आई रैन अवे. कॉम्प्लेक्स जब सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और उसे कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है तो हम एज सून एज बनाते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट होना चाहिए. अब दो सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे समझेंगे. जो सब्जेक्ट पे सिंपल सेंटेंस में लिखा हो उसी को दूसरे सब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं. सेकंड फॉर्म लिखी है तो इसको भी हम सेकंड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर देंगे. तो जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपका बन जाएगा एज सून एज, आई सॉ अ बियर, कॉमा, आई रैन अवे. अगर हम इसको एज सून एज नहीं बनाते हैं तो इसका बन जाएगा नो सूनर डिड आई सी अ बियर, कॉमा, आई रैन अवे. जब नो सूनर से बनाते हैं तो नो सूनर से जो बनने वाला सेंटेंस होता है उसको इंटेरोगेटिव के तरीके बनाते हैं. यहाँ पर मैंने नो सूनर से बना दिया. अगर इसका हम कंपाउंड अगर बनाना चाहें तो कंपाउंड हमारा एंड से बन जाएगा. आपका बनेगा आई शा अ बियर एंड रैन अवे. क्यों? क्योंकि जब दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं सिंपल में तो एंड के बाद सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती. एंड के बाद सब्जेक्ट तब लिखा जाता है जब दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं. अब एंड सिंपल में होता है और कंपाउंड में भी होता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंपल सेंटेंस में
वर्ब सेम होती है और कंपाउंड सेंटेंस में वर्ब डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल सेंटेंस में आयशा अ मैन ही वाज रनिंग फास्ट। चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस सेंटेंस को ऐसे तरीके से बनाएं कॉम्प्लेक्स में बनेगा आयशा अ मैन हु वाज रनिंग फास्ट। कॉम्प्लेक्स अब इसका कंपाउंड बना सकते हैं आयशा अ मैन यूज़ आप है नाम है कैप्सूल
change into complex. When the sun set, we return home. Compounded. The sun set and we return. Example number 5. Simple sentence. Having completed her work, Sita went to school. Use of a perfect participle. Change into complex. Sita went to school after she had completed her work. Compounded. Sita completed her work and went to It's all for today. Thanks a lot for watching video.